फाइनली GDYCT द डेफिनेटिव एडिशन मोबाइल डिवाइसेस पर आ चुका है और हमारी आज के इस वीडियो के अंदर आखिर उसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसा रहेगा गेम प्ले ये सब जानने वाले हैं। क्या गेम पहले से इम्प्रूव हुआ है, लैग वगैरह तो नहीं होता, बग्स एंड ग्लिचेस अभी भी हैं या फिर नहीं, सब पता चल जाएगा। देखते रहिए वीडियो को एंड तक और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, सो आइए चलिए आप और हम एक साथ मिलकर के GDYCT द डेफिनेटिव एडिशन को अपने मोबाइल पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। हो जाइए तैयार। ओ भाई, रॉकस्टार गेम्स का लोगो कितने लंबे टाइम के बाद हमें मोबाइल पर फिर से देखने के लिए मिला है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। वैसे तो GDYCT सभी के बचपन का ऑल टाइम फेवरेट गेम रह चुका है, लेकिन फिर से उन यादों को रिविजिट करने का अगर मौका दिया जाए तो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। स्टार्ट गेम पर क्लिक करते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। अरे बाप रे यार, इन लोगों ने काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है एंड जो कंट्रोल्स हैं वो भी काफी प्यारे लग रहे देखने में। मेरे पास में गन का बटन तो आ रहा है बट आई डोंट थिंक सो। हाँ, मेरे पास कोई वेपन है। हेलो मैडम। हेलो। अरे मैडम ने मुझे देख के अपना रास्ता बदल लिया भाई। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे क्या इतना बुरा भाई, मैं जिधर जा रहा हूँ वो चाहे उसको यहाँ राउंड एंड राउंड करना पड़े बट वो। हेलो मैडम, आप तुमसे गुस्सा। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है कोई पसंद नहीं करेगा मैं। कोई बात नहीं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ। जिंदगी में हम लोग बहुत सह चुके हैं, फिर से सह लेंगे। चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और ड्राइव करके देखते हैं कि ड्राइविंग फिजिक्स कैसी रखी गई है। ओके, ड्राइविंग फिजिक्स भी मुझे ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छी है वैसे अगर देखा जाए तो। और ये जो लाइटिंग है ना, नियॉन लाइट्स वगैरह, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। रिमास्टर तो किया गया है और जैसा हम लोग को PC पर देखने के लिए मिल रहा था सिमिलरली कुछ हद तक वैसा ही है। और मेरी गाड़ी ठोकी नहीं है, ठीक है, उसको ठोका गया है। चल झूठा। हम माफ कर दीजिए, अभी हम लोगों ने ड्राइविंग करके तो देख लिया। चलिए फिर थोड़ी सी हाथापाई करके भी देख लेते हैं, आसपास कोई है हमारे। ओ, सामने से नौजवान कन्या जा रही हो और हम उनसे दोस्ती। मुक्के बाजी ना कर, ऐसा हो सकता है तोड़ दूंगा। यार ये नहीं करना चाहिए, ये मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, दिस इज ओनली अप्लाइड इन गेम, रियल वर्ल्ड में तो आप उनसे उनका नंबर मांगिए। पुलिस नहीं आई यार अभी तक। अल्लाह, और भाई लड़कियों ने मुक्के मारने शुरू कर दिया मेरे को। ये 2023 की फेमिनिस्ट नारियां है। इतने पैसे, लड़कियों के पास जनरली पैसे हो तू समझा। हाँ। नहीं तू समझा नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना है, ठीक है, किसी ने कुछ। और भाई इसके पास तो बहुत ही है, बॉयफ्रेंड से लेके आई होगी पक्का। प्रतीक बैन होना है तुझे। नहीं, ओ भाई ये वाली गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है। चलिए फिर इसी को लेकर के हम लोग मिशन पे चलते हैं। मैं जब से गेम स्टार्ट किया मैंने इतने सारे क्राइम करे हैं, 2-3 लड़कियों को मार दिया, उनके पैसे लूट लिए और नई नई गाड़ियां ले रहा हूँ और कोई पुलिस वाला मेरे पीछे तक नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, मेरे को पता नहीं एजेंट 47 वाला लाइसेंस कब मिल गया। चलिए फिर मिशन पे चलते हैं। मिशन पे जाने से पहले मैं इस रोड को इत्मीनान से देखना चाह रहा था क्योंकि यही वो लोकेशन है जो हम लोग को GDS6 के अंदर रिमास्टर होकर के मिलने वाली है। सामने का वही बीच और यही होटल्स GTA 6 के ट्रेलर में कितने तारे लग रहे हैं। पर ठीक है यार, वहाँ PS5 पे लोग GTA 6 खेलेंगे, इधर मोबाइल पे अपन लोग GDYCT खेलेंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये हुई ना बात, पहुंच गए हम लोग। इधर चलते हैं, पिंक मार्कर पे उतरना है, ओशन व्यू होटल। इसकी लाइटिंग इतनी ज्यादा वो हो गई है ना कि मतलब ओशन व्यू पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। पहले तो इसके अंदर कुछ खास हुआ करता नहीं था, देखते हैं इसके अंदर इन्होंने कुछ ऐड किया या अभी भी ऐसे ही रूखा सूखा है। हाँ अभी भी है तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रे ट्रेसिंग इफेक्ट्स डाल दिए गए हैं, सो लाइटिंग काफी प्यारी लग रही है। चलिए फिर चलते हैं। ओह, दिन का समय हो चुका है, चलिए चला जाए। ओ भाई, दिन में कितना प्यारा लग रहा है यार वाई सिटी। ओ माई गॉड मैडम, क्या बेचनी है आप, सीन चने बेचनी है? मेरे पास पैसे नहीं है तो खरीद लेता वरना मैं गरीब हूँ। ये वाली गाड़ी लेते हैं भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोबाइल पर आप लोगों को बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राफिक्स मिल जाएंगे, लेकिन मिल रही है।
एंड इट्स काइंड ऑफ लुकिंग कूल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिर इसको डाउनलोड कैसे कर रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर। थैंक गॉड GTA ट्रायलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन को Netflix के थ्रू स्मार्टफोन्स पर लाया गया है, नहीं तो हमें हर एक गेम को 1200 रुपए देकर के खरीदना पड़ता। लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादा लोगों के पास में Netflix का सब्सक्रिप्शन तो होता ही है, अगर आपके पास में बेसिक वाला भी है तब भी आप Netflix के सारे गेम्स खेल सकते हो। आज मेरा पता नहीं कुछ ज्यादा फंबल कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जाना होगा गूगल गूगल प्ले स्टोर्स के ऊपर और वहाँ पर सर्च करना होगा GTA Vice City The Definitive Edition एंड आप लोगों को इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। गेम का साइज रहेगा ऑलमोस्ट 600 MB के आसपास। इंस्टॉल करते ही इंटरनल डेटा डाउनलोड होगा जो रहेगा 2.6 GB के आसपास, तो टोटल साइज बन जाता है 3.2 GB समथिंग। गेम ऑफलाइन है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा ताकि Netflix के थ्रू गेम के अंदर लॉग इन कर सको। करने के बाद फ्रीली गेम को एंजॉय करो जैसे मेरा चल रहा है, देख लिया। और मेरे पीछे पुलिस अड़ गई थी यार, अभी तो दिन हुआ था यार, फिर से रात हो गई। अब इसका मुझे एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहले ना मैं गन शॉप पर जा रहा हूँ, यही तो चाहिए। स्कूटी चलाएंगे अब हम लोग, हम बनेंगे पापा की परी, धूम मचा ले। ठीक है पैरों से कोई नहीं रोकेगा। अरे भैया यार, मैं तो लड़कियों से भी गंदी स्कूटी चला रहा हूँ। मुझे जाना है गन शॉप पे और वहां से मैं बुलेट्स वगैरह खरीद करके लाऊंगा और फिर पुलिस से पंगे लेंगे हम लोग। A few moments later. Finally, हम लोग आ बचे हैं एम्यूनेशन पर और यहाँ से मुझे खरीदनी है कुछ खतरनाक बंदूकें। पिस्टल $100 की है, ठीक है। ओए, गाड़ी से उतर, नहीं छोड़ूंगा तुझे, धुचुक 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 कर दूंगा। अरे यार, ये यहाँ पर भी आउटलाइंस आ रही है ना GTA ट्रायलॉजी के एडिशंस को, जो हम लोगों ने PCs पर खेला था तो वहां पर भी ऐसी आउटलाइंस आ रही थी। मैं गन तो ले आया हूँ और अब इस बार पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। बीच पर तो नहीं जा रहा मैं, ये गाड़ी के टायर को क्या हो रहा है भाई? ग्लिचेस तो है इस गेम के अंदर अभी भी, वो PC पर भी थे और वो यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जरा एक दो लोग दिख जाए। हेलो हेलो मैडम, किसी ने कुछ नहीं देखा भाई, पुलिस तक नहीं आई मेरे पास। पुलिस ये रही, दिख गई मेरे को। तुझे क्या लगा मैं तेरे हाथों का फकीर हूँ, मुझे मारूंगा बन जाऊंगा लकीर हूँ। ये तो कुछ मैच ना हुआ। नहीं, मैं जानबूझ के गलत जा रहा हूँ, ठीक है। कौन है, कोई है इधर? सामने गुंडे भाई, पूरी पूरी कलवारी खत्म कर दी मैंने इनकी। अरे पुलिस आ गई, कर रही सर, कर रही भाई। विजुअली तो गेम बहुत प्यारा लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब ग्लिचेस है, थोड़ा सा स्लो। अरे वो पकड़ ना ले, भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी, पुलिस की गाड़ी चुरा ली यार मेरे। गजब भाई, मजे आ गए। मतलब ये नहीं बोल कह सकते कि हम लोग गेम परफेक्टली पोर्ट किया गया है, थोड़ा बहुत लैग होता है लेकिन फिर भी इतने कम साइज में और इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, उस चीज के लिए हम लोग को डेवलपर्स को भाई थोड़ा क्रेडिट तो पूरा करी। 3 स्टार हो गए मेरे पीछे, क्या हम लोग इसको 4 स्टार तक ले जा सकते हैं? लेट्स सी। अरे 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 अरे, कोई भाई, रुको, उसके लिए भी चाहिए लोग। हेलीकॉप्टर भी आ गए, चलना पड़ेगा कुछ लोगों को। ये हुई ना बात, थोड़े से बात। ओए होए, इसने कुछ नहीं देखा, ठीक है। एकदम प्यार से गाड़ी चलाता हूँ मैं, मेरे सामने अगर कोई इंसान है तो उसको टच भी नहीं करता मैं, सीधा रोन देता हूँ। बड़ा हरामी हो यार, 3 स्टार से 4 स्टार हो नहीं गया, और पुलिस के सामने मैं लोगों को ना मतलब चीरे जा रहा हूँ। आओ, ओके, ये नहीं चाहिए था मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। उतर भाई, गाड़ी में आग लग जाएगी। प्रतीक क्या कर रहे हो बेटा? ओहो, 4 स्टार हो चुके हैं, सॉरी। पुलिस सिर्फ लाठी डंडे लेकर के आई है, इनके पास एक बंदूक कहाँ है, मुझे बंदूक क्यों नहीं मिल रही है? अरे भाई, ये कौन आ गए यार? मिलिट्री वाले आ गए, अब तो खतरनाक वाली बंदूकें लेनी पड़ेगी। अरे मैं खुला भाग रहा हूँ भाई, मर गया यार। लेकिन मजा बहुत आया। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक सी क्या होता है, एक लाइक कीजिए। और फ्यूचर वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक्ट, गुड बाय।